दोस्तों, अगर आप 2024 में एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 2024 में यूट्यूबर कैसे बने। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपकी यूट्यूब जर्नी में आपके बहुत हेल्प आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट से यहाँ पे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिनको अगर आप रेगुलर फॉलो करते रहोगे तो आप एक अच्छे यूट्यूबर बहुत ही जल्दी बन जाओगे। वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है, तो वीडियो आप पूरा जरूर देखिए लास्ट तक। और अगर आपका कोई सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बता सकते हो। साथ में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि आप यूट्यूबर क्यों बनना चाहते हो। तो अगर आपका क्लियर है कि आपको यूट्यूबर क्यों बनना है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है अपने चैनल के लिए एक टॉपिक आपको फाइंड करना है, किस टॉपिक के ऊपर आप जो है वीडियोस बनाओगे। एक टॉपिक आपको चूज करना है, चाहे आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, मोबाइल फोन के बारे में, लैपटॉप के बारे में, या फिर आप कोई ट्यूटोरियल्स बता रहे हो, या फिर आप कुछ पढ़ा रहे हो, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, कुछ भी। तो सिर्फ आपको उसी से ही रिलेटेड वीडियोस बनानी है, उसी से ही रिलेटेड आपको पोस्ट अपने चैनल के ऊपर डालनी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक टॉपिक आपको चूज करना है अपने चैनल के लिए। तो उसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है, चैनल क्रिएट करना है। टॉपिक आपने चूज कर लिया तो उससे रिलेटेड एक अच्छा सा नाम आपको सोचना है और उससे रिलेटेड जो है आपको अपना चैनल क्रिएट कर लेना है। कैसे चैनल क्रिएट करें, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आई कार्ड के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप उसको बाद में देख सकते हो। तो आपको जो है यहाँ पे अपना चैनल क्रिएट कर लेना है, एक अच्छा सा नाम चूज करना है जो बहुत ही यूनिक हो और लोगों को पसंद आए, कुछ ऐसा नाम जो है आपको अपने चैनल का रखना होता है। तो तीसरा काम जो आपको करना है, आपको अपने लिए कुछ अच्छे से गैजेट्स लेने हैं ताकि आप 2024 में एक अच्छे यूट्यूबर बन सको। गैजेट्स किस तरह के आपको लेने हैं, आपको एक ट्राइपॉड लेना है, अगर आपके पास एक अच्छा सा मोबाइल फोन है तो आप उससे शूट कर सकते हो, लेकिन आपको एक माइक, कोई भी आप माइक जो है यहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा नॉइस आती है तो एक माइक के ऊपर आपको जरूर से इन्वेस्ट करना है। मेरे पास भी एक माइक है, बोया का M1, तो वो माइक आप चूज कर सकते हो, काफी सस्ता भी है और बहुत ही अच्छी वॉइस क्वालिटी भी वो देता है। इसके साथ में ही आपको कुछ लाइट्स भी लेनी है, जैसे कि आप RGB लाइट्स को प्रेफर कर सकते हो या फिर रिंग लाइट को आप प्रेफर कर सकते हो, बहुत ही अच्छी वो लाइट्स होती हैं जिससे आपकी वीडियो की क्वालिटी और ज्यादा बेहतर होगी। अगर आप व्लॉग्स बनाते हो या फिर चलते चलते वीडियोस बनाते हो तो यहाँ पे आप गिम्बल या फिर गोरिल्ला पॉड के ऊपर भी फोकस कर सकते हो, मतलब आपको एक सेल्फी स्टिक या फिर गोरिल्ला पॉड तो आपको लेना ही है अगर आप व्लॉग्स बनाते हो या फिर रेगुलर जो है आप चलते फिरते वीडियोस बनाते हो। अगर आप ऐसे एक जगह पे बैठ के वीडियोस बनाते हो तो ट्राइपॉड आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन उसके लिए जो है आपको एक माइक भी बाय करना है। गैजेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी वीडियो क्वालिटी होगी उतने ही ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट कर पाए। तो उसके बाद जो है आपको वीडियोस बनानी है, उनको एडिट करना है और रेगुलर अपने चैनल के ऊपर अपलोड करना है। आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि एक वीडियो आप आज डाल रहे हो, एक अगले महीने डाल रहे हो, कभी 3 महीने के बाद डाल रहे हो, या फिर कभी आप डेली डालने की कोशिश कर रहे हो तो कभी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ऐसा आपको नहीं करना है। आप हफ्ते में अगर सिर्फ 2 वीडियो डाल सकते हो तो सिर्फ 2 ही वीडियोस आपको डालनी है, इससे ज्यादा नहीं डालनी है और ना ही इससे कम आपको डालनी है। रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको जो है वीडियोस डालनी है, चाहे आप 1 दिन का गैप रख लो, 2 दिन का गैप रख लो, अगर आप रोजाना बना सकते हो तो आपको डेली अपलोड करनी है, इससे जो है आपका चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो करने लगता है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर SEO करना सीखना पड़ेगा। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप कुछ भी सर्च करते हो अपने यूट्यूब के ऊपर तो जो वीडियो सबसे ऊपर आपको आती है उनके अंदर SEO हुआ होता है। SEO अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन बेसिक आप ये समझो, जो भी आप कीवर्ड्स यूज करते हो अपनी वीडियोस के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, टाइटल टैग्स के अंदर, उसको ही हम SEO कहते हैं। तो वो करना आपको सीखना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी और भी वीडियोस बनाई हैं जो आप जाके मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हो, यूट्यूब टिप्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसके अंदर अगर आप जाके देखोगे तो बहुत ही ज्यादा वीडियोस मैंने जो है इसके बारे में बनाई है, कैसे कीवर्ड सेट करोगे, रैंक कैसे करोगे आप अपने यूट्यूब चैनल को या फिर यूट्यूब वीडियोस को कैसे रैंक करोगे,
तो इनसे रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, उनको जाके आप देख सकते हो और सीख सकते हो आप एसईओ कैसे करोगे। और एसईओ के ऊपर मैं एक नया वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आने वाला हूं, जिसके अंदर कंप्लीट बताऊंगा कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो के ऊपर एसईओ या फिर अपनी वीडियोस को आप कैसे रैंक कर सकते हो यूट्यूब सर्च के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पे आपका एक नया यूट्यूब चैनल है तो आपको उसकी प्रमोशन भी करनी पड़ेगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप एड्स नहीं लगा सकते हो गूगल एड्स के थ्रू, तो यहाँ पे जो है आप फ्री में अपनी प्रमोशन कर सकते हो, जैसे कि आप कमेंट्स कर सकते हो और बहुत सारी वीडियोस के ऊपर, लोगों की वीडियोस के ऊपर, या फिर आप अपने सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम कहीं पे भी यहाँ पे आप अपनी वीडियोस को शेयर कर सकते हो। इससे जो है आपकी फ्री में बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी, जिससे जो है आपका चैनल जल्दी ग्रो हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे जैसे आप इन स्टेप्स को फॉलो करते जाओगे तो आपका चैनल ग्रो होता रहेगा। और यहाँ पे उसके बाद जब आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी मोनेटाइजेशन की। तो आपको अपने चैनल को जो है जल्दी से मोनेटाइज कर लेना है, जिसके लिए आपको चाहिए गूगल एडसेंस का अकाउंट। गूगल एडसेंस का अकाउंट डालने के बाद आपके चैनल के ऊपर आप अर्निंग करना शुरू कर दोगे और उसके बाद जो है आप कह सकते हो कि आप एक यूट्यूबर बन चुके हो। तो ये रास्ता जो है आपको फॉलो करना है अपने चैनल के ऊपर, ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अपने चैनल के ऊपर और उसके बाद जो है आप एक यूट्यूबर 2024 में ही बन जाओगे, अगर आप रेगुलर इन स्टेप्स को फॉलो करते रहोगे। अगर आप रेगुलर चैनल के ऊपर अच्छे से वीडियोस डालते रहोगे, एसईओ करते रहोगे, तो आपका चैनल जो है अच्छे से ग्रो कर जाएगा। कुछ गलतियां हम यूट्यूब चैनल के ऊपर कर लेते हैं जब भी हम नया यूट्यूब चैनल बनाते हैं, जिसमें से कुछ एक गलतियां यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ और इसके बारे में जो है आगे आने वाले टाइम के अंदर एक प्रॉपर वीडियो भी आएगा। तो जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं अपने चैनल के ऊपर वो होती है मिक्स कंटेंट करना। हम जो है मिक्स कंटेंट अपलोड कर देते हैं। मान लीजिए अगर मैं यूट्यूब के बारे में वीडियो बना रहा हूं तो मैं कुछ और वीडियोस भी यहां पे डाल देता हूं, चाहे फूड की होगी या फिर हेल्थ की होगी, तो वो काम आपको नहीं करना है। अगर आपको सिर्फ एक अपने निश टॉपिक के ऊपर ही फोकस करके रखना है। अगर आप सिर्फ YouTube के बारे में डाल रहे हो तो सिर्फ YouTube के बारे में ही डालिए। अगर आप मोबाइल फोन की रिव्यूज डालते हैं, अनबॉक्सिंग्स डालते हैं, तो सिर्फ वही आपको डालना है, जिससे एक ही ऑडियंस आपके चैनल के ऊपर आएगी और वो आपके चैनल को ग्रो भी करती रहेगी। लेकिन अगर आप मिक्स डालते रहोगे तो मिक्स ऑडियंस आती रहेगी और वो आपकी वीडियोज को कभी नहीं देखेंगी, जिससे आपका चैनल डेड हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, सिर्फ इसका आपको एक ध्यान रखना है। आने वाले टाइम के अंदर इसके ऊपर आपको एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल होगा YouTube से रिलेटेड नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइए, उसके ऊपर भी आपको आने वाले टाइम के अंदर वीडियो बहुत ही जल्दी मिल जाएगा और आपकी कमेंट का रिप्लाई आपको उसी टाइम दिया जाएगा। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे।